please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पार। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चुनावी रैलियों में आपने नेताओं के बीच जुबानी जंग खूब देखी होगी, लेकिन इस बार विज्ञापन और सोशल मीडिया के जरिए भी जोरदार सियासी लड़ाई हो रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी को इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर कांग्रेस की सोशल सेना बेहद सक्रिय है और बीजेपी को जमकर घेर रही है, क्योंकि शायद कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि 2014 की लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी के सोशल वार में फंस कर रह गई थी। इसीलिए 2017 के सोशल संग्राम में वार और पलटवार दोनों ही जोरदार हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या इस वार पर विज्ञापन वार से जीता जाएगा चुनाव? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक लाफिंग क्लब बन गया है। लाफिंग क्लब। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगा। हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, आपने बर्बाद कर दी। आपकी नोटबंदी ने, जीएसटी ने बर्बाद कर दी। सियासत की जमीनी लड़ाई से अगर आपका मन भर गया हो तो आइए आपको सोशल मीडिया के मैदान जंग में लेकर चलते हैं। कुछ करना ही है तो घोटाला करो, क्योंकि इस जंग का नजारा बेहद दिलचस्प है। जरा देखिए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वार करने के लिए कैसे गब्बर सिंह को हथियार बना लिया। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। जवाब बीजेपी समर्थकों की तरफ से आया, लेकिन यहाँ निशाना सिर्फ राहुल या कांग्रेस तक सीमित नहीं है। लालू से लेकर मुलायम तक हर किसी को लपेटे में लिया गया। अपनी अपनी जेबें भरो, सड़कों पर गंदगी करो और घर रखो चकाचक। सच में ऐसा पीएम तो इंडिया में आया ही नहीं। सही कहा ना मैंने भाई? यार ऐसा पीएम तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है, मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी फैमिली को सेट करने में लगे हैं, सोनिया जी को राहुल को सेट करना है। अरे पर ये तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंटरेस्ट है। लेकिन सवाल है कि क्या राजनीति की जंग में विज्ञापन वार अपना असर दिखाएगा? There's a BJP machine, about 1,000 guys sitting on computers. That basically tell you about me. क्योंकि जरा याद कीजिए 2014 का चुनाव, जब हर तरफ अच्छे दिनों का गीत छाया हुआ था। अच्छे दिन आने वाले हैं। रैलियों से लेकर टीवी विज्ञापन तक बीजेपी लगातार कह रही थी कि अगर वो जीती तो देश में अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन आने वाले, गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। यूपी के चुनाव में भी गुजरात के गधों से लेकर काम बोलता है जैसे विज्ञापन छाए हुए थे। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन, हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। तो क्या इस बार के चुनाव में भी सोशल मीडिया और विज्ञापन की लड़ाई वोटरों को साधने में काम आएगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विज्ञापन के दम पर जीतेंगे चुनाव, और इसी पर होगा आर पार। लेकिन उससे पहले चुनाव में सोशल का विश्लेषण भी कर लेना जरूरी है, जो बेहद दिलचस्प है। 2014 में बीजेपी को सोशल मीडिया कैंपेन से फायदा मिला था और अच्छे दिन का जो वादा किया गया था मोदी के जरिए, वो सत्ता में लाने तक उनको फायदा पहुंचाता रहा। बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस ने मजबूत सेना तैयार की है।
सोशल सेना, जी हाँ, और उसमें मोदी के धुर विरोधी जिन्हें कन्नड़ अभिनेत्री राम्या के नाम से आप जानते हैं, उन्हें शामिल किया गया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल का आरोप है कि बीजेपी की सोशल सेना उनके पीछे पड़ी हुई, और इस बात का जिक्र उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जब बयान दिया था तो किया था। साथ ही सोशल मीडिया पर राहुल ने तेज वार और धार कर दिया है, जिस तरह से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उनके चुटीले ट्वीट्स आ रहे हैं, इससे जाहिर है कि राहुल पूरी तैयारी के साथ इस बार मैदान में है। और ऐसे में सवाल लाजमी है, क्या सोशल मीडिया के जरिए हार और जीत तय होगी? और इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय आलोक प्रवक्ता जेडीयू के, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है। प्रियंका, शुरुआत में आपसे करूंगी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में राहुल ने कहा था कि बीजेपी के 1000 लोग उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार कमर कस ली है। देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन है और जो हमारी स्ट्रेटजी रही है वो हमेशा ये रही है कि सबसे पहले हमें लोगों से जुड़ना जरूरी है। 10 साल के कार्यकाल के बाद तो जो जो तकलीफें थी लोगों को, जहां जहां उनके मन में ये था कि जो जो हमने वादे किए थे हम कहीं पूरा नहीं कर पाए हैं, उसकी उसका जो गुस्सा था वो वोट के जरिए निकला था। पर आने वाले समय में अब ये दिखाना जरूरी है, जो एड के बल पे, जो एडवर्टाइजिंग के बल पे, मार्केटिंग के बल पे, पीआर के बल पे और बड़े बड़े एड रेवेन्यूज बनाने के बल पे जीत कर आए, इतने बड़े बड़े वादे कर कर आए, वो हर चरण में फेल हुए हैं, हर मापदंड से फेल हुए हैं। वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो हम जमीनी हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितने तकलीफ में हैं। तो वो सोशल मीडिया हो, ऑन ग्राउंड कम्युनिकेशन हो, प्रिंट हो, कम्युनिकेशन के हर तरीके के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जफर जी, जिस तरह के कांग्रेस के पास हथियार थे, जिसे अभी तक कहा जा रहा था उनकी धार कुंद हो गई है, उन कुंद धार वाले हथियारों को तेज किया गया है और अब इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी के जरिए, ऐसे में मोदी भी कम नहीं है और साथ ही साथ मोदी समर्थक भी जिस तरह के विज्ञापन लेकर आ रहे हैं, जिसका जिक्र हमने अभी अपनी रिपोर्ट में किया, वो बता रहा है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं और हथियार वही हैं, वही तरीका जो 2014 में आपने अपनाया था वही 2017 गुजरात चुनाव में दिख रहा है। प्रीति जी, सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल। आवाज, सॉरी, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी बार बार आलोचना कर रहे हैं सरकार की। देखिए, देश में गरीबी, भ्रष्टाचार और जो सामाजिक जो संस्थाएं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो जिस तरह की दशा है ये, और ये अस्पताल जिस हालत में, ये सब प्रॉब्लम जो है शुरू से उनके जो 70 साल के में जो उन्होंने 7 दशक में रहा है सरकार, उसका आज भी आज वो परिणाम जो उन्होंने उस तरह से हमें सौंपा है। लेकिन हमारे 3.5 साल के कार्यकाल में हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो पूरी दुनिया देख रही है, और उनको इस ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पर परिहार किया, जिस तरह से काले धन पे, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, जाहिर है पेट में दर्द होगा, लेकिन वो 70 साल में काला धन बनाया है। आज वो कहते हैं गरीबी के बारे में, आज कहते हैं बेरोजगारी के बारे में, आज कहते हैं वो कि भाई शिक्षा संस्थान में हालांकि उसकी दशा अच्छी नहीं, ये हमें किसने दिए है? ये तो हमने उन्होंने से उनसे मिला है, अब हम उनको ठीक कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। इस बात का भी जवाब दीजिएगा जरा। अच्छे दिन आएंगे ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि गब्बर सिंह टैक्स का जिक्र करते राहुल भी सत्ता की कमान संभाल सकते हैं? देखिए, राहुल को किस तरह से देखा जाता है हिंदुस्तान में मालूम है। पहले तो कांग्रेस दादा से दादी, दादी से पापा, पापा से मम्मी और मम्मी से मुन्ना। नहीं, अब मुन्ना पे किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, देश की जनता का मुन्ना पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए जो भी बातें करे उसको लोग, जैसा लोग कहते हैं, लाफिंग क्लब की तरह देखा जाता है, इसलिए कि उसी तरह की बातें वो करते हैं और चुटकुली में लोग उड़ा लेते हैं। लेकिन वो दौर बदल गया, 2014 वाले राहुल गांधी नहीं है। 2014 में ये कहना चाह रहा हूँ, 2014 से देखिए, 2014 से देखिए, जो लोग स्कैम करते थे 2014 से, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, उन पर
बिहार हुआ है उसकी उनको तकलीफ हो रही है, काला धन बनाने वालों पर कड़ी मार पड़ी है इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, जो लोग रेपिस्ट लोग थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आपका काम क्या बोला, आपका तो कारनामा बोलता रहा, आपका कारनामा बोला, आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस और अन्य लोगों देश की जनता ने उखाड़ के फेंका है। नहीं नहीं आप ये बताइए, देश सुनता था पर अब इनको 3.5 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल को। अरे 3.5 साल में जो हमने परिहार किया है काले धन पे, वो आपको उसमें तकलीफ हो रही है, हमने जो शिक्षा संस्थानों को बढ़ाया है उसमें आपको तकलीफ हो रही है, हमने देश की जनता का घर बढ़ाया है उसमें तकलीफ हो रही है, हमने देश की जनता का सर ऊपर किया उसमें तकलीफ हो रही है, हमने मनोबल बढ़ाया अपने अपने आर्मी का उसमें आपको तकलीफ हो रही है, हमने हमने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जिससे देश की जनता गर्वानी महसूस कर रही है। आपने क्या किया, आपने देश की संपत्ति लूटी, उसके अलावा क्या किया, आपने सिर्फ देश की संपत्ति लूटी है, आपने सिर्फ स्कैम किया है, आपने देश को लूटा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, आपने तो देश के जो बना हुआ जो बहुत बड़े बड़े आइकॉन थे उनको भी आपने आपने सराहना नहीं की, ना उनके बारे में कभी सोचा, गांधी नेहरू गांधी नेहरू पापा मम्मी मुन्ना इसके अलावा आपकी उसके बिना सोच भी नहीं बढ़ सकती है। अनुराग भदौरिया को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया विज्ञापन पर आपका विज्ञापन पर आकलन कितना सही है, यूपी के लड़के पसंद नहीं आए, आपका काम भी नहीं बोला, तो आप क्या बोलेंगे विज्ञापन पर? ऐसा लग रहा है कि सारी बढ़त विज्ञापनों के जरिए बीजेपी ही ले जाती है। अनुराग भदौरिया क्या बोलेंगे, ये तो बात करते काम बोलेगा, अनुराग भदौरिया क्या बोलेंगे, इनका काम बोल दिया, इनके सरकार में इनकी सरकार में जो है रेपिस्ट मंत्री रहता है, इनकी सरकार में रेपिस्ट मंत्री रहता है और रेपिस्ट का रेप कैपिटल बनता है उत्तर प्रदेश लखनऊ और उसी जगह उनके मुखिया जो है इनको घूस घूस देते हैं। आप क्या बात करें, इनके मंत्री की भैंस उठी जाती है, जहाँ पुलिस चौकी जो है वो समाजवादी पार्टी का दफ्तर बनता है और जो भी समाजवादी पार्टी ने अपने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, देश के लिए नहीं काम किया, इसके अपने वहाँ के जनता ने काम काम के धारे पे उनको यही दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, इसमें समाजवादी पार्टी के बारे में देश की जानती जानती है, कांग्रेस के बारे में देश जानती है, इसलिए इनको इनको मौका नहीं मिलेगा, वहाँ के प्रदेश की जनता समझ चुकी है ये लोग ढोंगी पार्टी है, ये देश को लूटने वाली पार्टी है, देश के लिए काम नहीं कर सकती है, अपने परिवार के लिए अपने परिवार के हित में काम करती है, देश की जनता के हित में नहीं काम करती, इसलिए उनको कभी मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे इन्होंने कहा था साइकिल चलेगी, साइकिल हमारी बहुत आगे तक जाएगी, साइकिल ही बस कर दिया प्रदेश की जनता ने। अरे ये बताइए साइकिल क्यों बस कर दिया आपने, नहीं बताइए आपने साइकिल का नारा दिया था साइकिल लेके चले गए, साइकिल क्या साइकिल क्यों बस कर दी गई, बीजेपी वाले भी देख रहे होंगे साइकिल क्यों बस कर दी गई आपकी, आपने इसलिए रेप कैपिटल बना दिया था उत्तर प्रदेश को, आपने वो ये तो सही नहीं है सर, सुनना भी तो पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये मौका दिया जाता है और पूरा मौका दिया जाता है, हर किसी को कोशिश यही होती है कि पूरा मौका दिया जाए, लेकिन इस तरह सर बीच में बोला जाएगा तो कैसे चलेगा? अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि इस तरह के विज्ञापन काम करते हैं जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, और इस बार क्या इन विज्ञापनों के जरिए और सोशल मीडिया में जिस तरह का एक्टिविज्म दिख रहा है राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? ऐसा है प्रीति जी कि विज्ञापन और सोशल मीडिया के जरिए कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है, चुनाव तो वही जीतता है जो जनता के दिलों में रहता है। तो एक बार में एक कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी पे जा रही है वो सिंपल स्ट्रैटेजी है। अरे अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए ना, बीच में बोलने की आदत क्यों है यार, बीच में बोलता रहता है, अरे बीच में बोलने की आदत क्यों है यार, आप अपने कारनामों के बारे में समाजवादी पार्टी समाजवाद बीच में घुसा रहे हैं, आप बीच में बोलने की आदत क्यों है, आराम से रहिए ना। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि हिंदूवाद की कार्ड जो ये जातिवाद कांग्रेस ने निकाला है कि दिनेश मवानी को जोड़ो, पाटीदारों को जोड़ो, दलितों को जोड़ो, तो हिंदूवाद की काट जातिवाद का ये स्ट्रैटेजी इन्होंने गुजरात में अपनाया है, लेकिन सच्चाई ये है
कि गुजरात की जनता कोई मूर्ख नहीं है जो पिछले 22 वर्षों से लगातार बीजेपी को मौके पे नहीं, मौका तो देते जा रही है। करना क्या गुनाह है? आज या गुजरात किसी, की जनता के पास जब फिर चुनाव होगा साथ बाद अपनी बात और रखना और विचार मिलते हैं तो क्या गलत है अगर साथ आ जाते हैं? नहीं है, लेकिन गठबंधन कर कहां कोई रहा है भाई? गठबंधन कर क्या हो रहा है? हार्दिक पटेल कहते हैं किसी पार्टी में नहीं जाएंगे या किसी तरह के समुदाय के लोग आते हैं मिलते हैं बात बन जाती है, विचारधारा समझ में आती है, साथ होता है तो गठबंधन कर चुनाव में गठबंधन करना हर राजनीतिक दल का धर्म होता है। अरे भैया चुनाव में राजनीतिक दल का धर्म होता है गठबंधन करना। समाजवादी मैं आपको ये बता दूं कि ये गुजरात का चुनाव प्रीति जी कांग्रेस और समाजवादी ने टाई अप कर बहुत ही गंभीर विषय है। मैं चाहूंगी अजय आलोक आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए फिर मैं प्रियंका का रुख करूंगी। हाँ, जी इस तरीके की बात कर रहे हैं प्रियंका सुन लेते हैं अजय आलोक को फिर मैं आपका भी रिएक्शन ले लूंगी। अजय आलोक नहीं नहीं देखिए सुनते हैं सुनना सबको चाहिए पर इस तरीके का समाजवादी पार्टी विपक्षी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला करते थे कुछ महीनों पहले तक आज उनकी वाह वाह करने में लगे हैं तो जब वो बोलते हैं तो थोड़ा प्रियंका जी मैं वही सवाल कर रहा हूं आप सुन तो लीजिए। एक सवाल आप ही से है प्रियंका जी, एक सवाल आपसे है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, एक सवाल सुन लीजिए। महागठबंधन टूटने के पहले जब नीतीश जी राहुल गांधी के पास गए थे उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है दोनों पुत्र, कुछ कीजिए। आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था भ्रष्टाचार के लिए, अगर आप इसमें प्रो एक्टिव स्टेप नहीं लेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? तो उस पर राहुल गांधी चुप्पी क्यों लगा गए, क्यों चुप्पी लगा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे? आप मुझे बताइए राहुल गांधी से नहीं पूछना चाहिए? आपने पूछा नहीं। गठबंधन बनने के बाद युवा देश का नहीं पूछेगा? गठबंधन तोड़ने देश का युवा नहीं पूछेगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लालू यादव को मौन समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी ने क्यों दिया? कोई उस बात पे चर्चा नहीं होती है, क्यों दिया भाई? प्रूव नहीं कर पाए। आप ये बताइए कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए क्या भ्रष्टाचारियों का साथ रखना जरूरी है? आज जब आप जी भ्रष्टाचारियों का साथ देके कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? दिल में दुख होता है जब अजय आलोक जी जिनका मैं इतना अरे कौन सी जी हुजूरी हमने आपकी कभी की नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की क्यों करेंगे? आज आकर वाह भाई वाह जब नरेंद्र मोदी जी के आज तक हम लोगों ने किसी की जी हुजूरी नहीं की ना कहीं, और जब हम दोस्ती करते हैं खुल के करते हैं जाता है। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि हम आपके साथ जाएं तो ये तो संभव नहीं है ना प्रियंका जी? जिसका हॉलमार्क राहुल गांधी चुप क्यों थे? नीतीश कुमार जी ने बना लिया, आप बस बता दीजिए ना राहुल गांधी चुप क्यों थे? आपने जो काम किया है मुझे आप बताइए। ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने 2013 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री का अपमान किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, राहुल गांधी चुप क्यों थे नीतीश कुमार के सामने करप्शन के मुद्दे पे? प्यारे नहीं थे आप बस बता दीजिए ना राहुल गांधी चुप क्यों थे? पूछती हूँ बिहार में सत्ता क्या प्यारी थी? सत्ता को छोड़ने में 5 मिनट नहीं लगाया। मैं आपको यहाँ पर रोकने में शेष नारायण जी को यहाँ पर शामिल करूंगी। शेष नारायण जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस को लैफिंग क्लब कहा जिसका जिक्र हल्का फुल्का जफर इस्लाम जी ने भी किया, क्योंकि वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात अब कह रही है कांग्रेस और इसको लेकर लाफिंग क्लब कहा जा रहा है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस उठा रही है और जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट जो ऑपोजिट में खड़ा करते हुए दिख रहे हैं वीरभद्र सिंह, उसमें कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क देखते हैं? नहीं नहीं तो हर पॉलिटिकल पार्टी जीरो टॉलरेंस वाली किसी पार्टी को आप बता दें जो भ्रष्टाचार न करती हो। जीरो टॉलरेंस इस देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत का पहला कदम है और ये मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ जब से राजनीति को तमीज से समझ रहा हूँ दिल्ली में बैठ के। तो जीरो टॉलरेंस तो मजाक ही है और ये बीजेपी के लिए भी है। जीरो टॉलरेंस की बात जब होती है तो आप जरा बम्बई जाके देख लीजिए कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस होता है, या यहाँ जो मंत्रीगण हैं घूम रहे हैं जो जिंदगी है उनकी जिस तरह की, वो पूरी तनख्वाह उनकी जोड़ डाली है कैसे रहते हैं। तो जीरो टॉलरेंस तो बेमानी है, बेमतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने अभी एक बात कही कि दिल्ली से मैं इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वाकई में ये भी समझना बहुत दिलचस्प है कि गुजरात का चुनाव किस तरह से दिल्ली के लिए इम्पैक्ट रखने वाला है, क्योंकि 2019 भी बहुत दूर नहीं है और ऐसे में गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये चुनाव कितनी बड़ी साख का प्रश्न है, इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही गब्बर सिंह टैक्स और अच्छे दिन वाले जुमले, इनका जिक्र एक बार फिर से करेंगे। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार और सीधे हम शुरुआत करेंगे एक बार फिर से जफर इस्लाम जी से। जफर जी, एक आंकड़ा
ट्विटर पर राहुल की एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है, जिसमें जुलाई 2017 तक उनके 24 लाख फॉलोअर्स थे, नवंबर 2017 में 41 लाख उनके फॉलोअर्स हो गए हैं। यानी कि वो जो बयानबाजी ट्वीट के जरिए कर रहे हैं या जिस तरह की भाषा शैली वो अपनी रैलियों में, सभाओं में अपना रहे हैं, उसका कुछ फायदा तो हो रहा है उन्हें, क्या इसका कुछ नुकसान बीजेपी को भी होता दिख रहा है? देखिए, इसका उन्हें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी को जरूर फायदा हो रहा है। जो जिस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं, और इनके जो ट्विटर के जो फॉलोअर है वो देश में नहीं विदेश में बसते हैं। आप देखिए, वो मिलेंगे आपको इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सूडान में, सऊदी अरबिया में, और रशिया में, और पाकिस्तान में, वहाँ फॉलोअर उनके हैं, देश में उनके फॉलोअर नहीं है। वो कभी उसकी खास वजह है कि जब वो 10 साल उनकी सरकार रही, आज वो ट्विटर पे बड़े बात कर रहे हैं, 10 साल जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने कोई, यही राहुल गांधी थे जो उन्होंने कोई जनहित पे बात नहीं उठाई, ये वही राहुल गांधी थे जो पार्लियामेंट में आते नहीं कहते थे। इसलिए लग रहा है, नहीं नहीं, इसलिए लग रहा है उनको, नहीं नहीं नहीं, 2014 में बरगला चुके हैं लोगों को। देखिए, इसलिए लग रहा है कि जब 3.5 सालों में जो हमने काम किए, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि इनको, नहीं नहीं, इस 3.5 सालों में जो हमने काम किए है वो देश की जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है कि 3.5 साल में जो काम किया है उससे कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रही है। आज वो आप इससे साफ साफ है, जनाधार किसका बढ़ रहा है? जनाधार देखिए, जमीन में जनाधार क्या बढ़ रहा है? ट्विटर छोड़िए, मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन में जनाधार क्या बढ़ रहा है? कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है? कांग्रेस सिमटती हुई पार्टी है, समाजवादी सिमटती हुई पार्टी है, आरजेडी सिमटती हुई पार्टी है, लेकिन एक ही पार्टी है जो आगे बढ़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी है, स्टेट आफ्टर स्टेट, स्टेट आफ्टर स्टेट। इसलिए कि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री पे, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पे, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, लोगों का विश्वास ऐसी पार्टी पे जो करप्शन फ्री पार्टी है, लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है जो अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते, प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए काम करते हैं। वंशवाद वाली पार्टियों को देश से नकारा है, देश की जनता नकार रहा है, इसलिए आज इनके फॉलोअर हो सकता है पाकिस्तान में बढ़ जाए, हो सकता है सूडान में बढ़ जाए, हो सकता है मलेशिया बढ़ जाए, देश की जनता ने इसको स्वीकार कर रही है, देश की जनता समझती है। बीजेपी के समर्थन वाले कैंपेन में प्रियंका, सवाल सुन लीजिए प्रियंका, बहुत हो गया प्रियंका, सवाल सुन लीजिए प्रियंका, आपसे सवाल, बीजेपी के कैंपेन वाले वीडियो में खास तौर पर वंशवाद का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं, लालू यादव अपने दोनों बेटों को सेट करने में लगे हैं, सोनिया जी राहुल गांधी जी को सेट करने में लगी हुई हैं। तो क्या आप मानती हैं कि वंशवाद कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। राजनाथ सिंह किस काम में लगे पड़े हुए हैं, इनसे पूछे, धूमल जी किस काम में लगे पड़े हुए हैं, इनसे पूछे, नितिन गडकरी जी किस काम में रुके पड़े हुए हैं। अगर ये इल्जाम जब लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक, सब बेटा बचाओ आंदोलन में लगे हुए हैं। शुरुआत अमित शाह जी से हुई है, बड़े सीनियर लीडर चाहते भी नहीं है, फिर भी मियां मुन्ना को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, इससे समझ में आता है कि आप वंशवाद पे बिलीव करते हैं, आपका काम है सिर्फ पार्टी के अंदर, सारे लोगों को छोड़ो, सिर्फ अपनी पार्टी के जो एक फैमिली है उसको फिक्स करो, वही आरजेडी में है, वही समाजवादी पार्टी में है, वही कांग्रेस में। अरे हिम्मत करो, किसी और को बनाइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी उस तरह से बनाइए। आप कौन होते हैं हमें हिम्मत की बात करने वाले? अरे हिम्मत है तो बना के देखिए ना, राहुल गांधी को छोड़ के किसी और को जो लाइक लीडर है, मुन्ना मियां को छोड़ के, मुन्ना मियां को छोड़ के किसी और को लीडर बनाइए, मुन्ना मियां को छोड़ के किसी और को लीडर बना के दिखाइए, देश की जनता उसको पसंद करती है, शायद पसंद भी करे, लेकिन मुन्ना मियां को नहीं कोई पसंद करता है। हाँ, सूडान में पसंद करेगा, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, रशिया में, इंडोनेशिया में, वहाँ उनका ट्विटर हैंडल का फॉलोअर बढ़ेगा, देश में नहीं बढ़ने वाला है। देश की जनता में जनाधार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी ही के जनाधार बढ़ रही है। और इसी तरह देखिए, स्टेट आफ्टर स्टेट आप अपना जनाधार खत्म हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अच्छा, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप दोनों ही बातों को सुन रहे हैं, जफर जी की भी और प्रियंका जी की। वंशवाद पर राहुल गांधी ने भी बोला था, और तब उन्होंने ये खास तौर पर कहा था कि परिवारवाद को बढ़ावा देना या जो भी समझा जा रहा है वंशवाद को लेकर,
पार्टी पर जब सवाल उठे तो उन्होंने आपकी पार्टी का जिक्र किया कि हमारी पार्टी में नहीं समाजवादी पार्टी में भी यही हाल है, और उन्होंने तमाम दूसरे नेताओं का भी नाम गिनाया, लेकिन आपकी भी पार्टी में वंशवाद एक कमजोर कड़ी है। अब मैं देखिए प्रीति जी, आपको सीधी सी बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद की बहुत बड़ी लिस्ट है। वसुंधरा राजे से लेके राजनाथ सिंह से लेके धूमल से लेके कहां चले जाएंगे आप, इनका तो हम नाम भी नहीं गिना सकते, इतना वंशवाद है इनके अंदर में। कम से कम आप रमन सिंह भी चले जाइए छत्तीसगढ़, किसी कहीं भी चले जाइए, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं सेंटेंस पूरा करने दीजिए, मैं इतनी देर, अरे मेरा सेंटेंस पूरा करने दीजिए, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सुन तो लीजिए मेरी सेंटेंस। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो क्यों बुलाया है फिर? जफर से बुलवा लीजिए, वो जफर के बारे में आपको पता नहीं है? जफर पहले समाजवादी में थे, फिर उसके बाद तो कांग्रेस के वार रूम में गए, आज बीजेपी के गोदी में जाके बैठ गए। ये व्यक्ति को जो पावर आएगा उसके पास चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी की इस व्यक्ति का कोई नियम नहीं, कोई इसका कोई धर्म नहीं है। अगर हम पावर रूम में मेरे साथ आ जाएगा कांग्रेस के वार रूम में, कांग्रेस के वार रूम में चला जाएगा, आज बीजेपी में तो बीजेपी के वार रूम में चला जाएगा, इसका कोई धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोशल मीडिया पेपर लेके बैठते वहाँ पे डिस्कस करते तो आपकी एड भी अच्छी हो जाती। इसलिए भैया रोजगार डेवलपमेंट हेल्थ की बात कर लो, देश में त्राई त्राई मची हुई है, पागलों की तरह बौखला रहे हो टीवी पे, जो आपकी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। रोजगार पूछोगे अभी नहीं बता पाओगे कितना परसेंट दिया, आपसे पूछेंगे आपने हेल्थ का क्या किया बता नहीं पाओगे, आपसे पूछेगा रोड पे क्या क्या नहीं बताओगे। ऐसी पलवल जैसे लगता है कोई सनकी आदमी आ गया हो, सनक गया हो, सनकी की तरह चिल्ला रहे हो यार, थोड़ा शर्म करो। चार साल सरकार के होगा, एक काम बता दो, 15 लाख से लेके एक रोजगार दिया तो बता दो। अरे पुरानी बातें करने के लिए आपको लोगों ने बहुमत नहीं दिया था, अरे आप बताइए बीजेपी के नेता है, इसलिए नए नए आए, इसलिए इनको ज्यादा आलोक। अरे अनुराग जी मान जाइए ना, ऐसा है कि वंशवाद सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर एक नेता का बेटा एमएलए या एमपी बन जाए तो उसको वंशवाद कहेंगे, नहीं। हमारी पार्टी में भी हैं बहुत सारे नेताओं के बेटा एमएलए एमपी है, लेकिन वंशवाद नहीं। वंशवाद तब कहलाता है जब पार्टी की कमान, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ एक ही परिवार से हो। ये बात आप लोग क्लियरली समझ लीजिए, देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से समझ ले, तब ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि कौन से दल की कमान सिर्फ एक ही परिवार के हाथ में रहती है। सारे दलों के नाम याद आ जाएंगे, इसको कहते हैं वंशवाद। प्रियंका जी, अरे भैया अपना अपनी चिंता करो, कौन सा वंशवाद है? राहुल गांधी से जरा पूछिए, राहुल गांधी जी से जरा पूछिए कि वो 10 साल यूपीए में पार्टी का हिस्सा थे, मंत्री नहीं बने, लेकिन नाक के नीचे स्कैम होते रहे। अरे आप क्या बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी सारी की सारी पार्टी उठ के पार्लियामेंट पहुंची हुई है 5 के 5, और परिवारवाद पे ज्ञान दे रहे अनुराग भदौरिया, दूसरे को बता रहे कौन किस दल से है, मैं भी है? आपको ज्ञान अरे दूंगी। किसको आपने नहीं लिया, किसको आपने नहीं लिया? आपके मंत्री का क्या हाल हुआ? आपके आपके दल में, आपके दल में तो बाप बेटे में नहीं पटती है, और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाप बेटे नहीं पटने वाली पार्टी दूसरे को ज्ञान दे रही है। और प्रियंका जी, राहुल जी से जरा पूछिए कि 10 वर्षों तक क्यों कान में कोई डाल के मत रहे थे? आपके सवाल का उत्तर ले लेते हैं, आपके सवाल का उत्तर प्रियंका से ले लेते हैं। प्रियंका, करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, और यहाँ पे क्या ज्ञान देंगी प्रियंका? अरे प्रियंका जी और पूछिए, समझा दे जी प्रियंका, कोई अजय जी को बहुत अच्छे से और सम्मान पूर्वक मैं इनको समझा दूं कि देश के कांग्रेस के अनुराग जी रुक जाइए, अरे आप अरे सुनो तो सही प्रियंका, सुनो तो सही, अरे तेवर बदले अपना साथ बदला तो उसका मतलब ये नहीं हुआ सुनने की सहन शक्ति बंद हो जाए। मैं तो बस आपको यही जवाब दूंगी, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता आज बिल्कुल उस लीडरशिप में बिलीव करता है
और उस लीडरशिप के लिए वोट कर रहा है और पूरा हमारे पास एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिन्होंने उन पर विश्वास जताया है। किस लीडरशिप? वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जहां पे ना ही कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, ना इलेक्शन का प्रोसेस हो और ना ही कार्यकर्ताओं से पूछा जाए कि कौन उनके मंत्री बनेंगे, कौन उनके एमएलए बनेंगे, किसको टिकट दी जाएगी। तो आप जब बात करें परिवारवाद की, हेमंत विश्वा ने आपको बताया था ना कि डेमोक्रेसी कैसी है, कि हेमंत विश्वा गए थे राहुल गांधी से मिलने, राहुल गांधी कुत्ता खिला रहे थे, यही है डेमोक्रेसी कांग्रेस की। नए साथी कांग्रेस और डेमोक्रेसी, प्रियंका कम ऑन यू आल्सो जोकिंग, यू नो दिस वेरी नाइसली, कांग्रेस और डेमोक्रेसी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। एक परिवार की मर्जी के आगे सर झुकाइए नहीं तो बाहर जाइए। बहस करिएगा, कांग्रेस और डेमोक्रेसी नहीं होती है। कार्यकर्ता कांग्रेस और ऑटोक्रेसी जाती है, कांग्रेस और डेमोक्रेसी नहीं जाती है। हमने हमारे हमारे हमारी हमारी पार्टी ने इसी परिवार से 3 प्रधानमंत्री दिए, देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है और देश की जनता ने 2004 में भी हमें चुना था। वही और कोई और कोई लाइक देश में पार्टी में था ही नहीं। और मणिशंकर ने भी कह दिया था, मणिशंकर ने भी कह दिया था जो भी चीजें हैं, जो भी नीति निर्धारण है वो माँ बेटे से होकर ही गुजरता है। इस बात को भी याद रखिए, आवाज आपकी पार्टी से भी उठी थी। प्रीति जी एक सवाल है प्रियंका जी से। प्रियंका एक छोटा सा सवाल है प्रियंका जी। शरद पवार ने प्रियंका जी शरद पवार ने पार्टी क्यों छोड़ी? प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल है आपसे, देखिए कई सालों से इसके लिए प्रियंका जी अपनी पार्टी के लिए जवाब नहीं दे सकते हैं, वो किस अधिकार से मुझसे सवाल पूछेंगे? अरे प्रियंका जी, देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता चाहती है कि आपके नियम उन्हें को इतना टाइम क्यों लग रहा है प्रेसिडेंट बनाने में। आना चाह रही थी और वंशवाद की जो परिभाषा यहां गढ़ी जा रही है, समझाई जा रही है और समझने की कोशिश हो रही है, उसमें लोकतंत्र कहां टिकता है, इसको हम समझेंगे आगे। और आर पार जारी है, वंशवाद के जरिए इस डिबेट को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और 2019 के चुनाव पर इसका असर समझेंगे। वेलकम बैक। सीधे सवाल प्रियंका और अनुराग से, और उम्मीद करती हूँ कि आप बारी बारी से इसका उत्तर देंगे और बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो इस उत्तर को सुनेंगे बीच में बिना रोके टोके। राहुल गांधी बहुत तेज तर्रार हो गए हैं प्रियंका, उनके हालिया जो बयान है, झूठ सुन सुनकर पागल हुआ विकास, मोदी जी 2003 में चांद धरती पर लाएंगे, मौसम का हाल, आज होगी जुमलों की बारिश, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाने वाले थे, नोटबंदी मतलब मोदी मेड डिजास्टर, और हालिया गुजरात में अंडर करंट चल रहा है जो बीजेपी को करंट लगेगा। ये जुमले बिल्कुल सही हैं, इससे उम्मीद कर सकती है कांग्रेस कि उसे सीटें मिल सकती हैं, बेहतर सीटें मिल सकती हैं। लेकिन ये भी तो सही है कि यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी मोदी काम बोलता है, ये कैंपेन आपके फेल हुए और सोशल मीडिया के जरिए ही सही अगर हम कहें तो फायदा बीजेपी को हुआ, मोदी को हुआ। नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही बीजेपी को फायदा हुआ। बहुत सारी गलत फहमियाँ उत्तर प्रदेश में फैलाई गई, बहुत सारी ऐसी बातें की गई जहाँ से एक ध्रुवीकरण वाली जो राजनीति उभर कर आई वो सामने स्पष्ट हुई। आप अगर वोट के पैटर्न्स भी देख लेंगे उससे समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन लोगों ने अपना कैंपेन बनाया ध्रुवीकरण वाली राजनीति की, जिसका खामियाजा अभी उत्तर प्रदेश भुगत ही रहा है। अब मैं आऊंगी गुजरात को लेकर, मैं कहीं नहीं मानती हूं कि राहुल गांधी जी, एक मिनट प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्रीति जी, पूरे डिबेट में कोई बीच में टोकता रहा। गुजरात में वो जुमले की बात नहीं कर रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है कि वहां के लोग नाखुश हैं सरकार से, ना नौकरियां मिल पा रही हैं, ना बच्चों को सही पढ़ाई मिल पा रही है, ना महिलाओं को उनके अधिकार मिल पा रहे हैं, ना किसानों को उनके हक मिल रहे हैं। पाटीदार आंदोलन हमने देखा, आज छोटे कारोबारी रास्ते पे आ गए हैं, छोटे कारोबार बंद पड़ गए हैं। अगर उसकी बात हम बार बार उसी की बात हम करते जा रहे हैं, जवाब देना चाहूंगा, केंद्रित रख रहे हैं, वही जवाब जब गुजरात की जनता असंतुष्ट है और जब गुजरात की खुद की जनता विकास को लेकर इतने सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर रही है, तो ये बिल्कुल जवाबदेही उस सरकार की बनती है जो नाकामयाब रही है इन 22 सालों में, सबको साथ नहीं लेकर जा पाई, आज उसका खामियाजा गुजरात भुगत रहा है। मैं एक बार फिर से अनुराग जी को लाना चाहूंगी, यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी मोदी, जो सवाल मैंने प्रियंका से किया था वो कैंपेन आपका पूरी तरह से कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आपका काम भी नहीं बोला और कैंपेन भी नहीं बोला, इस पर आप रिएक्ट करिए और फायदा बीजेपी को हो गया। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से सोशल मीडिया का यूज किया था लास्ट टाइम,
और जैसे होता है नया नया जब फोन आया था आपने देखा मोटरोला आया था और मोटरोला सबके पास होता था सर, मुद्दे पर आइए ना, किसी पास कोई फोन नहीं होता एग्जांपल्स का वक्त नहीं, मुद्दे पे आ रहा हूं ना, प्लीज, आज समाजवादी पार्टी सुनिए, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आ गई एप्पल पे, सैमसंग पे, वो अभी भी मोटरोला पे ही है। इस बात का उनका पेट में दर्द है कि वो सोशल मीडिया में पीछे क्यों छूट गए। आप पीछे छूट गए तो आप कह रहे हैं कि जुमले की राजनीति है, इसकी राजनीति, कांग्रेस भी आगे है और मोदी जी भी आगे आ गए हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए परेशान हैं। इनको पता है कि इन्होंने चार सालों में कुछ नहीं किया है, अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपके महात्मा से पूछ लूं तो आपको पता है जो जो इन्होंने वादे किए थे, इसीलिए पीछे की बात करते आगे की बात नहीं करते। जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो आगे की बात करते थे, हम आएंगे तो हम देश को नया भारत बनाएंगे, 21वीं सदी का भारत बनाएंगे। आज बात करते हैं 17वीं सदी की, 12वीं सदी की, और अब वो झुंझुना गुजरात में ही काम करने वाला, ये लाना ही नहीं चाहते क्योंकि इनका विजन अच्छा नहीं है। इन्होंने ना रोजगार से लेकर कुछ नहीं किया। तो ये अनुराग जी, फिर मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, उत्तर तो सुन लीजिए। जफर जी देखिए, मैं दो तीन बातें कहूंगा, जैसे मैंने इंटरप्ट नहीं किया बाकी लोग भी नहीं। जहां तक कैंपेन का सवाल है उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन आप देखिए जनाधार देखिए। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि राहुल गांधी जी को सब चाहते हैं कि वो बहुत देश की जनता सुनती है, ये है वो है, पर वहाँ के सारे कार्यकर्ता। मैं कहता हूँ मम्मी जी रिटायर कर रही हैं, मियां मुन्ना को आप एलिवेट करने में क्यों देर कर रहे हैं? मियां मुन्ना को एलिवेट कीजिए, आप पहले भाषा का सही इस्तेमाल करें, नहीं एलिवेट कीजिए, देश की जनता की बयानबाजी ना करें, देश की जनता, मैं आपको ये बोलने नहीं दूंगी, नहीं अगर आप सम्मान से बात नहीं कर सकते हैं, देश की जनता के जनाधार से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, मेरी बहुत ही आपसे करवट निवेदन है, सिर्फ मैं आपसे चाहती हूँ कि हम भाषा की मर्यादा रखें, विरोधियों के बारे में भी हम बोले तो कम से कम भाषा का जो उपयोग हम कर रहे हैं वो सही दिशा में हो। जफर जी आप अपनी बात पूरी करिए। उसी तरह आप देखिए अखिलेश यादव एक्सेप्टेबल नहीं है अपनी पार्टी में, क्या कर पाएंगे? देश की जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है, देश की जनता पूरे तौर से मुकम्मल तौर से मन बना चुकी है कि दोनों पार्टियों को बिल्कुल शनाख्त करना खत्म कर देना है, और ये वंशवाद वाली पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ देश की संपत्ति लूट सकती है, देश के हित में कोई काम नहीं कर सकते, ये दोनों पार्टियां अपने फैमिली के लिए काम कर सकती नहीं। मियां मुन्ना ने क्या किया है? 10 साल बैठे रहे, एक जनहित के बारे में सवाल नहीं उठाया मियां मुन्ना ने, एक सवाल नहीं उठाया लोगों के बारे में। आज वो बन के आज सोशल मीडिया में, अरे देश देखता है कि इतिहास क्या है, इतिहास आपने एमपी रह के क्या किया, आपने कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ ध्रुवीकरण किया है, आपने अपीजमेंट की पॉलिसी की है, समाज तोड़ने की बात की है, इसलिए देश की जनता आपको ठुकरा रही है, नकार रही है, और इसीलिए स्टेट आफ्टर स्टेट आप लूज कर रहे हैं। नहीं बड़े एड्स लाकर अब अरे हम तो ऐड क्या, हम तो देश लोगों के दिल में बसते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं। आप बताइए वाटर एड्रेस टैक्स का जवाब नहीं लाया, वाटर एड्रेस टैक्स लाया है, क्या आप हमें बताए कि सोशल मीडिया पर जिस भी तरह का कैंपेन किया जाता है वो चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, इसमें फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलता रहा है अभी तक का अगर हम आकलन करें तो? नहीं, क्योंकि कांग्रेस के फेलियर्स को बीजेपी हाईलाइट करती थी तो उनको फायदा मिला, वो तो सीधा खड़ा खेल फरुखाबादी है। कांग्रेस की फेलियर्स जो हैं, अब जो विज्ञापन 4 मिनट वाला है उसमें मोदी जी की सारी अच्छाइयां बताई गई हैं, लेकिन GST और उसका नोटबंदी का कहीं जिक्र नहीं है। तो पैजामे का जब जिक्र नहीं होगा इसका मतलब वो उनकी दुखती रख अपने को उनको रियलाइज हो गया है, और उसी पर मुसलसल हिट कर रहे हैं जो इनको श्रीमान जी मियां मुन्ना कह रहे हैं। मैंने विरोधी से तमीज से बात करने की, तो भाई मियां मुन्ना कहना मतलब आप अपनी पार्टी के जो पॉलिटिकल सिविलाइजेशन के बेसिक्स हैं तो ठीक है, राहुल गांधी साहब का डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन आप उनको गाली थोड़े दें। पार्टी की चापलूसी करते थे, आए आके बीजेपी की गोदी में बैठे हैं, ये कोई ईमान धर्म के लोग नहीं है, ये नेताओं का सम्मान जानते हैं, दूसरों के बारे में इनको। अरे भदौरिया जी बताइए, आपके लीडर आपके पार्टी में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके पार्टी में एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं आप बताइए ना, आपके पार्टी में आपके लीडर एक्सेप्टेबल है? आपका पार्टी डिवाइडेड है, अरे जब आपकी पार्टी डिवाइडेड है तो देश के लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेंगे? अरे बोलिए क्या सिर्फ संपत्ति लूटने का काम प्रदेश में आपने क्या किया?
आपने पुलिस पुलिस स्टेशन को समाजवादी का ऑफिस बना के रखा है। बढ़ेगा इस बीच, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जफर जी। मैं उम्मीद करती कि अगर मैंने आपसे निवेदन किया तो आप उस बात को मानते। बहरहाल वक्त हो गया है हम तो पूछेंगे का। सुमित अवस्थी के पास चले, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शेक्सपियर कहते थे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मोदी ब्रांड किस तरह से 2014 से लेकर अब तक काम किया है पूरे देश में, ये हम सब ने देखा है। लेकिन क्या मोदी ब्रांड इस बार गुजरात में भी वही करिश्मा होने जा रहा है? बहुत दिलचस्प है इस बार का गुजरात चुनाव, और इसी के साथ चलेंगे सुमित अवस्थी के पास।